दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस टेक न्यूज। और आज भी दोस्तों काफी सारे खबरें लेके आए, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए, मैं आपको काइंडली रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो भूले ही मत। चलिए शुरू करते हैं। पहली जो दोस्तों खबर है वो है हुआ ऑनर की तरफ से। ऑनर 30 का जो इमेज है उसमें कंफर्म्ड हो गया है कि 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX700 का कैमरा होगा। जी दोस्तों, ऑनर 30 अराइव होगा ग्लोबली ऑन April 15, ऐसा रूमर्ड है। और इसमें पैक होगा विथ 50 मेगापिक्सल सोनी IMX700 कैमरा। सो काफ़ी अच्छा सेंसर होगा ये दोस्तों। सो अच्छी खबर है। सो अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर दोस्तों सैमसंग की तरफ से। सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 5G को एंड्रॉयड 10 विथ 1 UI 2.1 का अपडेट मिलना स्टार्ट हो गया है। सो अगर आपके पास सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 5G है, सो जाइए और अपडेट कीजिए, आपको 1 UI 2.1 के अच्छे अच्छे फीचर्स और एंड्रॉयड 10 का अपडेट मिलेगा। सो अगर सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 5G यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। सो अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर दोस्तों वन प्लस की तरफ से। वन प्लस बुलेट्स वायरलेस जेड ईयरफोन्स इनकमिंग। जी हाँ दोस्तों, आने वाले हैं। और इसमें दोस्तों आपको 30W वायरलेस चार्जर टू बी अनवील्ड ऑन April 14, मतलब वन प्लस 8 सीरीज के साथ उसका 30W वायरलेस चार्जर भी अनवील होगा। सो जब आएगा तब देखेंगे कैसा है। सो और कहा किस पे पहली बार आएगा। सो अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर दोस्तों हुआवी की तरफ से। हुआवी P40 Pro Plus ने यूज़ किया है सैमसंग का OLED डिस्प्ले। जी हाँ दोस्तों, हुआवी P40 Pro Plus जो फ़ोन है उसमें यूज़ किया है सैमसंग का OLED डिस्प्ले। सो अच्छा डिस्प्ले है, मतलब सैमसंग के जनरल डिस्प्ले अच्छे होते हैं। सो अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर दोस्तों ओप्पो की तरफ से। ओप्पो रेनो A2 5G ऑफिशियली लॉन्च हो रहा है April 13 को। जी हाँ दोस्तों, लीक्स आ गए और कंफर्म भी हो गया है कि ऐसे ओप्पो रेनो A2 के 2-3 से बहुत लीक्स आ रहे थे, मैं टेक न्यूज में आपको रोज बोल रहा था। तो अब ये कंफर्म हो गया कि ओप्पो रेनो A2 5G लॉन्च होगा इन ग्लोबली April 13 को। सो अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगर आप ओप्पो का A2 लेना चाहते थे, सो April 13 के बाद आप ले सकते हो। सो अच्छी खबर है। सो अगली खबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगली खबर सैमसंग की तरफ से, लेकिन वो बताने से पहले अगर वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कीजिएगा। सो अब बताता हूँ खबर। सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 प्लस 5G का पॉपअप हो गया ऑन Geekbench। जी हाँ दोस्तों, Geekbench पे आ गया है सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 प्लस 5G का। सो जल्दी लॉन्च होगा शायद ये। 8GB रैम और 110 तो होगा इसमें। हो सकता है इसमें 12GB रैम का वेरिएंट भी हो। सो अगर लेने की सोच रहे हैं नोट 20 प्लस तो जल्दी ही लॉन्च होगा। सो अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर दोस्तों फिर से ऑनर की तरफ से, यानी हुआवी की तरफ से। ऑनर प्ले 4T अराइव हो रहा है ऑन April 9। उसके स्पेक्स भी रिवील हो गए दोस्तों। और दोस्तों इसमें आपको मिलेगा OLED पैनल विथ फुल HD रेजोल्यूशन, 6.3 इंच का डायगनल डिस्प्ले होगा, 4000 mAh की बैटरी होगी, 22.5W का फ्लैश चार्ज भी इसमें आपको मिलेगा और किरिन 810 का प्रोसेसर इसमें आपको मिलेगा दोस्तों। और कैमरा तो 48 MP का मेन कैमरा होगा और ट्रिपल रेयर कैमराज भी इसमें आपको मिलेंगे। सो एक पिक्चर है ये ऑनर प्ले 4T की, मैं वो दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, आप देख सकते हैं इस पिक्चर को। बेजल्स वगैरह तो आसपास के बहुत कम दिख रहे हैं। अगली खबर दोस्तों बहुत ही कमाल की है और शायद आज के टेक न्यूज की सबसे अच्छी खबर हो सकती है। ऑनर नहीं, Xiaomi की तरफ से वो खबर। Xiaomi Mi Band 4 नहीं, उसका नेक्स्ट वर्जन यानी Xiaomi Mi Band 5 कुड बी अनवील टुमारो। जी हाँ दोस्तों, ऐसा आ गया है कि Xiaomi Mi Band 5 अनवील हो सकता है टुमारो। सो हो सकता है, एक्सपेक्टेड है। इसमें आपको मिलेगा 1.2 इंच का OLED डिस्प्ले विथ NFC इन ग्लोबल यूनिट। और इंडियन यूनिट में तो NFC शायद नहीं होगा, लेकिन दोस्तों ये आ सकता है टुमारो, अनवील हो सकता है टुमारो। और अभी तक कंफर्मेशन नहीं है कि टुमारो ये अनवील होगा, हो सकता है। सो अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों Mi Band 5 तो आएगा,
अलॉन्गसाइड उसके साथ रेडमी बैंड भी लॉन्च हो सकता है अप्रैल 3 को, यानी अप्रैल 3 को रेडमी बैंड भी लॉन्च हो सकता है अलॉन्गसाइड मी बैंड 5। सो दोनों भी बैंड्स काफ़ी अच्छे होंगे। मी बैंड 4 इतना अच्छा था शाओमी की तरफ से। सो अगली खबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगली खबर लेनोवो की तरफ से, लेनोवो लीजियन 5i, लेनोवो लीजियन 7i टू गेट इन NVIDIA एडवांस ऑप्टिमस टेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, इसकी जो प्राइस है वो लेनोवो लीजियन 5i विल बी प्राइज्ड एट रफली इन इंडियन रुपीज 76,000 होगा, और जो लेनोवो लीजियन 7i है उसका प्राइस होगा कुछ रफली 91,300। जी हाँ दोस्तों, और लेनोवो लीजियन 7i की एक पिक्चर आ गई, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं, यह है लेनोवो लीजियन 7i। सो अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और अगली खबर दोस्तों फिर से शाओमी की तरफ से, शाओमी मी बैंड 4 और शाओमी मी बैंड 3 को मिला है एक अपडेट, और ये अलाउ करते हैं यूजर्स को टू अनलॉक विंडोज 10 लैपटॉप्स स्ट्रेट फ्रॉम द फिटनेस ट्रैकर। जी हाँ दोस्तों, ये अच्छा अपडेट है। आप मी बैंड 3 या मी बैंड 4 अगर आपके पास है तो जाइए और अपडेट कीजिए, आपको मिलेगा अच्छे खासे नए नए फीचर्स। और आप विंडोज 10 अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप स्ट्रेटली अनलॉक कर सकते हो उसको विद द फिटनेस ट्रैकर। सो अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर दोस्तों गूगल की तरफ से, गूगल पिक्सल 5 और गूगल पिक्सल 5 XL टिप्ड टू बी पावर्ड बाय क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G का प्रोसेसर। ये अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुई है, लेकिन दोस्तों टिप्ड है कि ये पावर्ड बाय हो सकता है स्नैपड्रैगन 765G का प्रोसेसर। जो लास्ट ईयर का गूगल पिक्सल 4 XL था, वॉज लॉन्च लास्ट ईयर, उसमें दोस्तों आपको मिला था स्नैपड्रैगन 855 का प्रोसेसर। इसमें आपको मिल सकता है स्नैपड्रैगन 765G का प्रोसेसर। सो अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो गूगल पिक्सल 5 या गूगल पिक्सल 5 XL जल्दी ही लॉन्च होंगे। सो अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर दोस्तों आसूस की तरफ से, आसूस ROG Zee Fryze Duo 15 ड्यूअल स्क्रीन गेमिंग लैपटॉप विथ 10th जनरेशन कोर i9 NVIDIA GeForce RTX सुपर लॉन्च हो गया है। जी हाँ दोस्तों, ये एक लैपटॉप है, ये फोल्ड, ये आपको ड्यूअल दो स्क्रीन इसमें आपको मिलता है, यानी ड्यूअल स्क्रीन का लैपटॉप है। एक पिक्चर है इसकी, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं नीचे भी स्क्रीन है और ऊपर भी स्क्रीन है, यानी ड्यूअल स्क्रीन इसमें आपको मिलती है। सो अगली खबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन यूरेशियन रेगुलर वेबसाइट पे एक पोको फोन स्पॉट हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये पोको फोन रूमर्ड है टू बी पोको F2 रूमर्ड है टू बी रीब्रांडेड रेडमी K30 प्रो, और जो पोको फोन स्पॉट हुआ है यूरेशियन रेगुलर वेबसाइट पे, ये टिप्ड है कि पोको F2 हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस पे कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ये जो पोको फोन है वो पोको F2 हो, स्ट्रॉन्ग चांसेस है। सो अभी तक इस पे कोई कंफर्मेशन नहीं हुई, लेकिन हो सकता है। सो अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर दोस्तों सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी A10s को स्टार्ट रिसीविंग हो गया एंड्रॉइड 10 का अपडेट बेस्ड ऑन One UI 2.0। जी दोस्तों, तो अगर आपके पास सैमसंग गैलेक्सी A10s है, सो जाइए सेटिंग्स में और अपडेट कीजिए, आपको मिलेगा एंड्रॉइड 10 और One UI 2.0, और इसमें आपको काफी सारे नए नए फीचर्स भी मिलेंगे। सो अगली खबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों अगली खबर वन प्लस की तरफ से, और ये आखिरी खबर है आज की टेक न्यूज की। वन प्लस 8 प्रो के रेंडर्स लीक हो गए, और इसमें आपको एक नया कलर मिला है, अल्ट्रा मरीन ब्लू। जी हाँ दोस्तों, वो कलर का पिक्चर आया, मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन इसमें रिपोर्टेड है कि और जो कलर्स है वो होंगे ऑनेक्स ब्लैक, ग्लेशियल ग्रीन, और एक अल्ट्रा मरीन ब्लू कलर भी अभी टिप्ड हो गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ वो। लेकिन दोस्तों वन प्लस 8 और 8 प्रो के फुल डिटेल्स एंड स्पेसिफिकेशंस का वीडियो किया हुआ है, अगर नहीं देखा है जाइए जरूर देखिएगा, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ वन प्लस 8 प्रो का अल्ट्रा मरीन ब्लू का पिक्चर। ये देखिए, आप देख सकते हैं क्वाड रियर कैमराज, और कलर आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, टेक न्यूज होती है खत्म,
और आज की टेक आज भी दोस्तों हमने बहुत सारी खबरें दी आपको। सो इसी बात पे हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो भूले मत। एंड स्टे ट्यून्ड एंड वॉच अवर ऑल वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।